नमस्कार, वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेस। माई सेल्फ पवन चौधरी। जैसा कि अपन यूनिट वाइज 40 क्वेश्चन का टेस्ट और उस यूनिट से टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं, तो आज का जो ये टेस्ट है ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट जो अपन स्टार्ट कर रखी है नई यूनिट उससे है। फर्स्ट जो टेस्ट है 20 क्वेश्चन का वो डी ब्लॉक एलिमेंट से आ जाए। एक एक क्वेश्चन बोलते रहता हूँ, नोट डाउन करते जाना, और जो सॉल्यूशन है वो या तो आप कमेंट बॉक्स में दें या फिर आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है वहां पर आप व्हाट्सएप करके और वो आंसर सारे भेजें, हम आपको चेक करके बताएंगे आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में सर्वाधिक स्थायी है? क्रोमियम प्लस 3, वैनेडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 3, मैग्नीज प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन है कोबाल्ट, क्रोमियम, वैनेडियम, मैग्नीज। तीसरा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व है? ऑप्शन है सभी धातु, कुछ धातु, कुछ अधातु, सभी ठोस, सभी अधिक्रियाशील। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या अधिकतम है? ऑप्शन है क्रोमियम प्लस 3, मैग्नीज प्लस 3, आयरन प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3। पांचवा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन है एनएस कक्षक से, एनएच तथा एनपी कक्ष से, सी है एन माइनस 1 डी तथा एनएस कक्ष से, और चौथा ऑप्शन है एन माइनस 1 डी कक्ष से। क्वेश्चन देखो, संकुल बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति किसमें है? ऑप्शन है एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, एन ब्लॉक तत्व। सातवां क्वेश्चन है, रंगीन लवण कौन बनाता है? ऑप्शन है धातुएं, अधातुएं, पी ब्लॉक तत्व, संक्रमण तत्व। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व संक्रमण तत्व का है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आर्गन। नौवां क्वेश्चन है, परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है? ऑप्शन है सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दसवां क्वेश्चन है, तत्व जिसकी परमाणु संख्या 26 है? ऑप्शन है एक अधातु, क्रिप्टॉन, आयरन, मैग्नीज। ग्यारहवां क्वेश्चन है, कॉइनेज सिक्का धातु है, कॉइनेज को सिक्का बोलते हैं तो सिक्का धातु है। ऑप्शन है फेरस कोबाल्ट निकल, कॉपर जिंक, सी ऑप्शन कॉपर सिल्वर गोल्ड, और डी में है गोल्ड तथा प्लेटिनम। बारहवां क्वेश्चन है, एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d3 है, इसका परमाणु क्रमांक होगा? ऑप्शन है 24, 23, 22, 21। फिर तेरहवां क्वेश्चन देखो, द्वितीय संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन है नियॉन 3d1-10 4s2, बी ऑप्शन आर्गन 3d1-10 4s1-2, सी ऑप्शन है क्रिप्टॉन 4d1-10 5s1-2, और डी ऑप्शन जीनॉन 5d1-10 6s1-2। चौदह क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि उनके गुण होते हैं? ऑप्शन है एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य, बी ऑप्शन पी तथा डी ब्लॉक तत्वों के समान, सी ऑप्शन वे फर्स्ट ए समूह के सदस्य होते हैं, और डी ऑप्शन है वे अक्रियाशील तत्वों के समान होते हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन है, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है वैनेडियम प्लस 3, मैग्नीज प्लस 3, एफी प्लस 3, कॉपर प्लस 2। सोलहवां क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? ऑप्शन है एन माइनस 1 डी 1-5, बी ऑप्शन एन माइनस 1 डी 1-10 NS1, सी ऑप्शन एन माइनस 1 डी 1-10 NS1-2, और डी ऑप्शन NS2 एन माइनस 1 डी 10। सत्रहवां क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं? ऑप्शन है छोटे आकार के कारण, धातु प्रकृति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, ये सभी। अठारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है?
ऑप्शन है जिंक Fe+2, निकल +3, कॉपर +। गुणिश क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी नहीं है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3, Fe+3, जिंक +3। ऑप्शन है इसके अंदर, निम्न में से कौन अमलकम नहीं बनाता है? ऑप्शन है Fe, कोबाल्ट, सिल्वर और ये जिंक। तो इसमें ये 18 क्वेश्चन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी आपसे, ठीक है? तो ध्यान रखना Fe+2 और Ni+3, तो इसमें से किसमें सर्वाधिक होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपको बतानी है, तो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो सर्वाधिक है, ठीक है? तो आज के आपके 20 क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट से फर्स्ट टेस्ट सीरीज अपन ने स्टार्ट किए डी ब्लॉक की, तो सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर है वो आप या तो कमेंट बॉक्स में दें या फिर एक पेज में लिख करके व्हाट्सएप करें, जिससे आपको जो सॉल्यूशन है वो हम आपको देंगे। वैसे भी डेली सॉल्यूशन हम शाम को देते हैं आपको 8 बजे, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।